नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज हम बात करने वाले हैं जो भी लेऑफ्स हुए हैं 2024 के अंदर, और अभी तो 4-5 महीने ही हुए हैं, और अभी तक टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 70,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया गया है। वो मल्टीपल मल्टीपल कंपनीज से फायर किए गए हैं। आज हम बात करेंगे कौन कौन सी मेजर कंपनीज हैं जो कि टॉप कंपनीज में आती हैं, उनमें से किस किस एम्प्लॉयज़ को फायर किया गया है। ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्ट। रिसेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के हिसाब से टोटल 70,000 से ज़्यादा टेक एम्प्लॉयज़ फायर किए गए हैं। दोज आर वर्किंग इन द IT ऑर्गेनाइजेशंस। और यहाँ पर लास्ट मंथ में, विच इज़ अप्रैल, सो अप्रैल में मोर देन 20,000 एम्प्लॉयज़ फायर किए गए हैं। और मेजर वो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आपके गूगल से, एप्पल से, इंटेल से, अमेजोन से, और बायजूस से, ओला कैब एंड मिनिम ऑर्गेनाइजेशंस जो कि मेजर ऑर्गेनाइजेशंस है वहाँ से फायरिंग की गई है। तो लेट्स स्टार्ट विद द एप्पल। सो एप्पल ने इस साल 2024 के अंदर, पिछले 5 महीने के अंदर 672 एम्प्लॉयज़ को फायर किया गया है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार। और ये एम्प्लॉयज़ फायर किए गए हैं ड्यू टू द रीज़न जो भी एप्पल ने दिया है उसके हिसाब से, जो उनकी सेल है दैट इज़ डिक्रीजिंग। सो सेल अगर डिक्रीज कर रही है तो उनको अपना अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए, सो दे हैव टू रिड्यूस द हेड काउंट। तो उनके हिसाब से उन्होंने फायरिंग की और 672 एम्प्लॉयज़ टोटल उन्होंने फायर किए हैं 2024 के अंदर। उसके बाद बात करते हैं गूगल की। तो गूगल के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, गूगल ने अपनी पूरी पाइथन की टीम ही हटा दी थी। तो जो भी एम्प्लॉयज़ पाइथन में काम करते थे, फ्लोटर में काम करते थे और डार्ट में काम करते थे, तो गूगल ने वो सारी की सारी टीम उठाई और उन्होंने फायरिंग कर दी उसकी। और कुछ एम्प्लॉयज़ को उन्होंने बोला आइदर यू हैव टू वर्क फ्रॉम इंडिया और यू हैव टू वर्क फ्रॉम मैक्सिको। दो ऑप्शंस दिए कुछ एम्प्लॉयज़ को, सारे एम्प्लॉयज़ को भी नहीं दिया, कुछ एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन दिया जो कि टॉप परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ थे, कि आइदर यू हैव टू वर्क फ्रॉम इंडिया और यू हैव टू वर्क फ्रॉम मैक्सिको, देन यू हैव टू रिलोकेट फ्रॉम US टू इंडिया और मैक्सिको। तो उनके हिसाब से उनको काम करना पड़ेगा दीज टू कंट्रीज में, अदरवाइज यू हैव टू बी फायर्ड। अगली हम बात करते हैं अमेजोन। सो अमेजोन ने जो भी कट ऑफ्स किए हैं, तो मोर देन 100 एम्प्लॉयज़ जो कि ऑन रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया पे है, तो उसके हिसाब से 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ उन्होंने फायर किए हैं। यह ऑन पेपर जो भी मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे के सारे ऑन पेपर फायरिंग हुई है। ऑफ पेपर कितनी फायरिंग हुई है उसका हमें कोई आइडिया नहीं है और उसकी एक्चुअल रिपोर्ट भी हमें नहीं दिखाई जाएगी। सो यू कैन इमेजिन लाइक मोर देन 70,000 टेक एम्प्लॉयज़ हैज़ बीन फायर्ड। तो जब ये ऑन पेपर 70,000 है, सो एक्चुअल नंबर्स कुड बी वेरी बिग, यू कैन थिंक अबाउट इट। सो अमेजोन ने जो भी फायरिंग की है, तो AWS की टीम उनकी थी, उसके अंदर से कुछ बंदे ने निकाली और उनको बाहर कर दिया उन्होंने, और कुछ बंदे उन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग वाले डिपार्टमेंट से निकाल के फायर किए हैं। सो दीज टू डिपार्टमेंट्स विच इज़ इम्पैक्टेड इन अमेजोन। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंटेल। सो इंटेल में भी फायरिंग हुई है। इंटेल ने अपने हेडक्वार्टर जो कि कैलिफोर्निया में है, सो वहाँ से उन्होंने मोर देन 50 एम्प्लॉयज़ फायर किए हैं। सो यू कैन थिंक अबाउट दीज कंपनी नेम्स, दीज कंपनीज आर वेरी बिग। और यहाँ से ऑन रिकॉर्ड अगर इतनी फायरिंग हुई है, तो रिसेशन का दौर तो चल ही रहा है, यू कैन इमेजिन दिस इज़ वेरी टफ टाइम फॉर IT। और नेक्स्ट बात करते हैं बायजूस। सो अभी तक मेरी जितनी एनालिसिस है और जितने बंदों से मैंने कनेक्ट किया है और उसकी बात मैंने जो इन्फॉर्मेशन ली है, सो वन ऑफ द वर्स्ट कंपनी दैट इज़ बायजूस इन टर्म्स ऑफ द जॉब सिक्योरिटी बायजूस के अंदर है ही नहीं तरीके से देखा जाए। बिकॉज 2023 में अगर आपने न्यूज़ देखी हो, तो टोटल 4,500 एम्प्लॉयज़ उन्होंने फायर किए थे बायजूस। और उसके बाद अगर बात की जाए तो 2024 के अंदर अभी तक 500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ उन्होंने फायर कर दिए हैं, और टोटल देखा जाए तो अराउंड 3% ऑफ टोटल हेडकाउंट जो भी बायजूस के अंदर है उन्होंने फायरिंग कर दी है। तो 97% अभी उनके पास है, 3% उन्होंने निकाल के बाहर कर दिए हैं। यू कैन थिंक लाइक दिस नंबर इज़ वेरी बिग। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्ला। सो टेस्ला भी मेरे हिसाब से इज़ नॉट ए गुड चॉइस टू वर्क विद, बिकॉज टेस्ला के अंदर भी फायरिंग हुई है। और टेस्ला के अंदर आए दिन हम सुनते रहते हैं कि 4 बंदे निकाल दिए गए, 40 बंदे निकाल दिए गए, 400 बंदे निकाल दिए गए। तो टेस्ला के अंदर जॉब सिक्योरिटी मेरे हिसाब से तो नहीं है, बाकी यू गाइस कैन कमेंट टेस्ला के अंदर जॉब सिक्योरिटी है या नहीं है। सो टेस्ला के अंदर थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ 2024 के अंदर सिर्फ फायर किए गए हैं, विच इज़ वेरी बिग नंबर। ये फायरिंग जो हुई है टेस्ला के अंदर, ये हुई है लो सेल की वजह से,
क्योंकि उनके पास सेलिंग इतनी है नहीं। और टेस्ला में एम है उनका कि टोटल जो भी उनके हेड काउंट हैं उसमें से 10% इम्प्लॉयज टोटल फायर किए जाएंगे। अभी उन्होंने फायरिंग जो की है, 1000 some employees ऑलरेडी उन्होंने फायरिंग कर दी है, लेकिन ऑन पेपर उन्होंने जो बोला है कि 10% हेड काउंट वो रिड्यूस करेंगे। और मस्क ने ये भी बोला है कि हर 5 साल के अंदर अपनी जो भी स्ट्रेटजी है उसको रीलुक करने के लिए अगर एम्प्लॉयज़ फायर करने पड़े तो उन्हें फायर कर दो। तो दिस इज़ नॉट ए गुड स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट आई हैव कॉपीड फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। और द हिंदू ने ये भी क्लेम किया है कि टेस्ला के अंदर टोटल 14,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को फायर किया गया है, विच इज़ वेरी बिग नंबर। यू कैन थिंक लाइक टेस्ला हैज़ फायर मोर देन 14,000 एम्प्लॉयज़। दिस इज़ नॉट ए गुड फॉर ऑल ऑफ अस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ओला कैब्स की। सो ओला कैब की स्ट्रैटेजी मेरे तो समझ में आज तक आई नहीं। और 200 एम्प्लॉयज़ को उन्होंने 2024 के अंदर भी फायर किया है। और इवन उनका सीईओ जो था हेमंत बख्शी ने 4 महीने पहले उन्होंने ज्वाइन किया था ओला, और उसके बाद उन्होंने 4 महीने के अंदर ही उन्होंने रिजाइन दे दिया है। सो दिस इज़ नॉट ए गुड साइन। सो यू कैन थिंक लाइक वॉट इज़ द इन्वायरमेंट अंडर द ओला कैब्स एज वेल। और नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वारपूल की। सो वारपूल के अंदर भी फायरिंग हुई है और मोर देन 1000 एम्प्लॉयज़ हैज़ बीन फायर देयर। 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ फायर किए गए हैं वारपूल के अंदर भी। सो वारपूल भी एक बहुत बड़ी कंपनी है। ये फायरिंग वारपूल के अंदर इसलिए हुई है बिकॉज वारपूल ने जो क्लेम किया है उसके हिसाब से वो रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं अपना यूनिट, और उसकी वजह से उनकी जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है $50 million। सो $50 million को कुछ सेटलमेंट करने के लिए उन्होंने 1000 एम्प्लॉयज़ वहाँ से फायर कर दिए हैं। सो दे हैव ऑल्सो रिड्यूस द हेड काउंट। सो ऐसे इन्वायरमेंट में काम करना यू कैन थिंक लाइक दिस इज वेरी टफ इन आईटी ऑर्गेनाइजेशन नाउडेज। सो जहाँ भी हो जैसे भी हो प्लीज स्टे देयर एंड ट्राई टू मेक योर डिपेंडेंसी ऑन द प्रोजेक्ट, और यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ। पहले नहीं किया चल गया, बट अब आगे ये नहीं चल पाएगा। यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ। सो स्टे ट्यून एंड डू लाइक द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद लेटेस्ट अपडेट।